जिस सरकारी विभाग के पास शहर में विकास कार्य करने का जिम्मा है, उस विभाग की इमारत इन दिनों अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। दरअसल आपको बता दे, बल्लभगढ़ के नगर निगम के 23 साल पुरानी इमारत पूरी तरीके से जर्जर अवस्था में है। आए दिन छत से प्लास्टर गिरता है तो कहीं दीवारें झड़ती हैं। ऐसे में नगर निगम में काम करने वाले कर्मचारियों को डर के साए में काम करना पड़ता है, तो वही नगर निगम में हर रोज अपने कार्य कराने आते सैकड़ों लोगों की जान भी खतरे में है। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि आए दिन दीवारों और छत से प्लास्टर नीचे गिरता रहता है। कई बार निगम के उच्च अधिकारियों को इसके बारे में अवगत कराया गया है, बावजूद इसके अभी तक किसी भी अधिकारी ने इस इमारत को लेकर संज्ञान नहीं लिया है। जबकि नगर निगम के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर भी बल्लभगढ़ नगर निगम के सरकारी भवन के जीर्णोद्धार का अभी तक कोई अता पता नहीं है। इससे आप समझ सकते हो, नगर निगम की कार्यप्रणाली को जो डर के साए में होते हुए भी उनके कान पर जूं तक नहीं रगम रही, तो आप सोचिए वो नगर निगम आम जनता की कैसे सुनते होंगे और किस तरह लोगों का काम करते होंगे। वही जब इस मामले को लेकर बल्लभगढ़ नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर से बात करने के लिए उनके ऑफिस पहुंचे, तो बल्लभगढ़ के ज्वाइंट कमिश्नर का दफ्तर खाली था और बाबू साहब अपने दफ्तर में नहीं थे। अब सवाल यही उठता है कि क्यों आखिर नगर निगम के उच्च अधिकारी बल्लभगढ़ नगर निगम में बिल्डिंग की मरम्मत क्यों नहीं कर रहे? क्या बड़े अधिकारी बल्लभगढ़ नगर निगम में कोई हादसा होने का इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल डर तो है जी, बट काम तो करना पड़ेगा। जब तक सीट ना मिले तो काम तो यहीं पे करना पड़ेगा। कब से काम कर रहे हो आप यहाँ? मैं तो काफी टाइम से काम कर रहा हूँ। क्या शिकायतें की कभी अधिकारियों को, कहा कि भाई इस तरीके के हालात हैं, लोग भी पोस्टिंग डीलिंग लगातार आप सुबह से? इस बिल्डिंग का काम अभी आगे अप्रूवल के लिए दे रखा है और बोल रहे हैं कि वो जल्दी काम हो जाएगा शायद। लेकिन जिस तरीके से हालात बयां कर रहे हैं, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, आखिरकार जिम्मेवार कौन? अब कोई बात नहीं, जब भी कुछ काम तो करना ही है, काम कर रहे हैं। बिल्कुल।